सो हेलो वेरी वन वेलकम टू बी नंबर वन प्लेटफॉर्म फॉर डिफेंस एग्जाम्स तो स्टूडेंट्स वी आर टॉकिंग अबाउट सी ईडीएस आपको पता है सी डी एस दो हज़ार चौबीस के पेपर का जो मैथ्स का पेपर है उसका हम सोल्यूशन कर रहे हैं ठीक है इसके पहले तीन पार्ट आज को धमाकेदार सोल्यूशन भी आपने बहुत पसंद किए हैं ठीक है आज फोर्थ पार्ट है और आज थोड़े अच्छे क्वेश्चन है जोमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चन मिलेंगे आपको जहाँ तक मुझे याद है शायद सर्कल से भी रिलेटेड एक क्वेश्चन है मेरे पास एलिगेशन का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा एलिगेशन का पहला क्वेश्चन शायद मेरे पास जो है वो एलिगेशन का तो प्लीज आपने क्या करना लाइक करना है शेयर करना सब्सक्राइब करना चैनल को और जुड़ना हमारे साथ सारे के सारे जो लिंक्स हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके पास दिए गए हैं क्लियर और फर्दर इन्फॉर्मेशन यू कैन कॉल अस एट सेवन एट थ्री ट्रिपल सेवन थ्री सिक्स फाइव वन आप इस नंबर पर स्टूडेंट कॉल भी कर सकते हैं एंड इस नंबर पर आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं

डाउट सॉल्विंग सेशंस मिल रहे हैं आपको एक्सपेक्ट फैकल्टी गाइडेंस मिल रही है आपको मॉक टेस्ट और प्रैक्टिस पेपर्स मिल रहे हैं और फ्री मेंटरशिप मतलब देखिए किसी भी एग्जाम को क्रैक करने में मेंटरशिप सबसे मेन अहम रोल होता है क्योंकि सिलेबस अभी करते हैं बट वट इज इंपॉर्टेंट किस चीज़ पर इंफोसिस कर रहा है कहाँ ज़्यादा हमें फोर्थ लगानी है वो चीज़ कौन बताएगा एक एक्सपर्ट एक्सपर्ट ही आपको बता सकता है तो हमारे पास सारे सारे एक्सपर्ट ऑलरेडी मौजूद हैं तो प्लीज जुड़िए हमारे साथ बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है ठीक है, है? चलिए

In which the ratio spirit to water is one ratio three. Kindly करिए इस क्वेश्चन को, please. Try कीजिए इस क्वेश्चन को. देखो दो चीजें. सबसे पहले देखो मेरे पास क्या है ये spirit and water. Spirit ratio water दिए. ठीक है इनिशियली कितना है मेरे पास? One ratio four. अगर मैं या एक या दो की बात करूँ सेकंड में कितना है? अल्टीमेटली मुझे कितना बनाना है ठीक है यही मुझे करना है इस केस में दो तरीके से आप कर सकते हो तरीका एक है अलग अलग देखो सबसे पहले क्या करो मैं स्पिरिट को यहाँ पे टारगेट कर रहा हूँ ठीक है अगर बेसिकली मैं यहाँ देखू स्टूडेंट्स पहली क्वेश्चन में टोटल क्वांटिटी पांच है टोटल क्वांटिटी पांच है, है। स्पिरिट कितना है वन यानी पहली बॉटल में मैं क्या सकता हूँ कि वन आउट ऑफ फाइव है बिल्कुल सही बात है अच्छा सेकंड बॉटल की मैं बात करता हूँ क्या है मेरे पास यहाँ पे टोटल क्वांटिटी कितने स्टूडेंट्स पांच है यहाँ भी बट स्पिरिट या कितना फोर तो यहाँ पे बोल सकते हैं फोर बाय फाइव बट अल्टीमेटली जब मैं देख रहा हूँ क्या चाहिए मुझे चार और स्पिरिट यहाँ पे वन है यानी वन बाय मुझे ये चाहिए दैट इज़ कॉल्ड प्योर एलिगेशन इसको बोलते हैं एलिगेशन लगाना ठीक है वाटर से भी लगा के दिखाऊंगा मैं ताकि आपकी कोई दुविधा ना रहे कोई प्रॉब्लम ना रहे ठीक है पांच और चार के एल्सियम लीजिए माइनस आप कर सकते हैं मुझे कोई दिक्कत नहीं है बट मेरा काम है क्वेश्चंस को इजीली हल करवाना पांच और चार क्या ट्वेंटी आ गया तो इसको ट्वेंटी से मल्टीप्लाई कीजिए इसको भी ट्वेंटी से मल्टीप्लाई कीजिए और इसको भी क्या करो ट्वेंटी से मल्टीप्लाई करो तो ये कितना बचा चार ये कितना आया सोलह और अल्टीमेटली क्या चाहिए पांच देखो एक बात ध्यान रखना आपके पास होता क्या है जो ऊपर की दो क्वांटिटीज है ना ये सेंटर वाला नंबर इनके कहीं ना कहीं बीच में आता है जस्ट बीच में नहीं आता चार है पांच हो सकता है सोलह पंद्रह हो सकता है चौदह हो सकता है तेरह हो सकता है बारह हो सकता है ग्यारह ऐसा हो सकता है ठीक है तो माइनस कर दो बस बड़े में से छोटा माइनस करो ग्यारह बड़े में से छोटा माइनस करो तो शुभन ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर आप कई बच्चे यहाँ पे एक अनुभव महसूस करते हैं कि सर स्पिरिट से कर दे वॉटर से करो तो जाने अरे आपको होमवर्क देते हैं होमवर्क आपका ये मैं यहाँ पे करके दिखा रहा हूँ बट आपने घर पे पहले इस वीडियो को पॉज करके ट्राई करके देखना कि आपका आंसर आगे नहीं आ रहा फिर आपने इसको देखना ठीक है चलिए चलो फ्रेंड्स यहां तक की स्टेटमेंट बिल्कुल सेम रहेगी चलिए देखिए जरा नेक्स्ट मेरे पास क्या है अगर मैं वाटर की बात करता हूँ पानी पानी रहे है ना चलो वाटर चार आउट ऑफ पाँच है पहले ये पाँच है ना मैं छत्तीस का आंकड़ा है बहुत कम बार पाँच बिल्कुल सही लिखा जाता है ये कितना आ गया एक बटा पांच। और ये कितना आ गया तीन बटे चार

क्वेश्चन में कोई भी ऐसा अनएक्सपेक्टेड अनएक्सपेक्टेड कुछ भी नहीं था दैट वाज वेरी सिंपल क्वेश्चन कोई भी एक स्टेट लेवल के क्वेश्चन पे कोई लेवल पे भी ये क्वेश्चन आ सकता है कोई जरूरी नहीं ऐसे सीडीएस के लेवल पे ये क्वेश्चन मैं एक्सपेक्ट ही नहीं करता बिल्कुल भी यू पी एक नाम है डर एग्जाम में जो कि डर में खत्म कर देंगे देख ही रहोगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन थ्री थीटा प्लस फाइव कॉस्टेटा इजिकल

स्केलिंग बोथ साइड्स करो इक्वेशन नंबर वन को और इक्वेशन नंबर टू को फिर इसको ऐड करना है मुझे सॉल्व <laughs> करो ए स्केयर साइन स्केयर थीटा प्लस बी स्केयर कॉस स्केयर थीटा प्लस टू ए बी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज टू एल का स्केयर इजंट इट यस बी स्केयर साइन स्केयर थीटा प्लस ए स्केयर ऑफ यस बिल्कुल देखो जब दोनों को ऐड करने जाओगे बच्चों आप ये कैंसिल आउट हो गया अगर मैं ए स्केर के साथ ए स्केयर के साथ क्या बचा थीटा प्लस ऑफ साइंस के थीटा बी स्केयर के साथ क्या बचा थीटा प्लस ये क्या ये आइडेंटिटी मेरे पास दोनों होती है, यानी, A square, of या है मेरे पास? यस। yes. क्या है तो आंसर आ गया माइनस थ्री वो क्वेश्चन में कभी भी ऐसा नहीं देगा माइनस और प्लस दोनों को दे देगा

ठीक है अच्छा मुझे कोई ऐसी इक्वेशन बताओ थीटा की कोई ऐसी वैल्यू जो है सेटिस्फाई कर दे इक्वल टू राइट हैंड साइड हो जाए ट्राई कीजिए हो सकता है इज इट पॉसिबल कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर हो जाए मेरी हाँ जी बताओ अगर थीटा इज इक्वल टू मैं जीरो डिग्री पकड़ता हूँ मतलब थ्री इंटू जीरो साइन जीरो जीरो प्लस फाइव इंटू कॉस जीरो वन इजीगल टू फाइव हो गया तो थीटा इज जीरो पुट कर दो जब थीटा को आप पुट करोगे इज़ द राइट आंसर ऑप्शन नंबर तो ये शॉर्टकट था और ये थोड़ा आपका लॉजिकल था बात लाइक शेयर सब्सक्राइब चाहिए इस क्वेश्चन के ऊपर क्लियर चलिए चलिए लेट है मेरे पास फॉलोइंग इन रिस्पेक्ट ऑफ पोलिनोम एक्स रेस पर फोर के प्लस फोर प्लस एक्स रेस पर फोर के प्लस रिमेंडर इज जीरो देखो सबसे पहली बात मुझे दिया गया एक्स पर फोर के प्लस एक्स पर फोर के प्लस टू यानी एक्स का के है प्लस एक्सपायर फोर के प्लस फोर ठीक है थोड़ा सा ध्यान से करेंगे थोड़ा थेराव के साथ प्लस, X 4K, प्लस X यही अच्छा डिवाइडेड बाय का मतलब क्या टू तो माइनस वन आ गया है ना एक्सकेयर माइनस वन आ गया यानी ये क्या मेरे पास एक्स केयर इसकी पावर टू के प्लस एक्स टू तो पावर टू इसके पावर टू के इंटू ऑफ एक्स कैसे लिख सकता हूँ बिल्कुल लिख सकते हैं इसको ठीक है प्लस ऑफ एक्स केयर इसकी पावर टू के इंटू ऑफ एक्स स्केयर इसका होल स्केयर प्लस एक्स रेस पर टू टू के इंटू ऑफ एक्स का स्केयर इसके होल क्यूब लिख सकते हैं बिल्कुल लिख सकते हैं ठीक है देखो अब जब एक्स स्केयर पुट करेंगे यानी माइनस की पावर टू इसकी होल पावर के विजिबल yes, चलो प्लस ऑफ माइनस वन इसकी पावर टू इसकी होल पावर के इन टू ऑफ एक्सर कितना है माइनस वन है मेरे पास ये कितना माइनस वन आ गया चलो जी ये कितना आ गया माइनस वन इसकी पावर ये कितना था फोर के यूनिट इसकी पावर टू इसकी पावर के इंटू माइनस वन का पावर स्केयर ठीक है प्लस ऑफ माइनस वन इसका होल स्केयर इसकी पावर के इंटू ऑफ माइनस वन की पावर थ्री ये आई थिंक क्लियर होगा आपको चलो अब पहले आप पहले वाली क्वेश्चन क्या बोल रही है माइनस वन की यानी वन की पावर के अब वन की कोई भी पावर हमेशा वन ही रहती है ठीक है वन आ गया वन नेक्स्ट रहे नेक्स कितना रहेगा माइनस वन नेक्स्ट कितना रहेगा ये प्लस वन आएगा फिर माइनस वन तो कितना आएगा जीरो तो पहले स्टेटमेंट ट्रू होगी मेरे पास इज क्लियर पहले स्टेटमेंट क्या होगी मेरे पास ट्रू अब सेकंड स्टेटमेंट थोड़ी उलझी सी है यही देख लेते हैं इसको ठीक है सेकंड स्टेटमेंट की बात कर लेता तो हैं मैं जरा एक बार ठीक है सॉल्व भी करके देखनी पड़नी थी आपको <coughs> सॉरी hmm. चलिए सेकंड स्टेटमेंट की बात देखो जरा अब यहां पे क्या है एक्स की फोर इज टू माइनस वन ठीक है आ गई एकदम है ना चलो एक्स की फोर माइनस वन यानी माइनस वन की पावर के सॉरी प्लस ऑफ एक्स पर फोर यानी माइनस वन की पावर के टू ऑफ एक्स का स्केर प्लस ऑफ माइनस वन की पावर के इंटू ऑफ एक्स की पावर फोर की तरह माइनस वन प्लस ऑफ माइनस वन की पावर के इंटू एक्स स्क्वायर सिक्स ऐसे कुछ है अब यहां पे के डिफाइन करेगा कि मेरा वन देखो अब के अगर मेरे पास वन है तो माइनस वन आएगा के अगर टू है तो प्लस वन आएगा तो ये मेरे पास पॉसिबल नहीं है क्योंकि तो आंसर क्या आएगा ओनली वन क्योंकि के की वैल्यू डिफाइन नहीं है डिफाइन करेंगे जब ही आएगा मेरे पास यहाँ पे स्केयर की वैल्यू है ठीक है ओनली वन इज द राइट आंसर चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं वट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ ये बहुत ईजी था देखो इसको अगर आप सॉल्व करोगे साइन है प्लस फाइव प्लस वन अपॉइंट साइन है तो कितना आ गया प्लस साइन ए प्लस वन था कुछ भी नहीं था, था क्वेश्चन में नोट कीजिए कोई okay? <laughs> मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन सीडीएस में आएगा जब मजा नंबर सिस्टम के करिए प्लीज इस क्वेश्चन को ऐसे क्वेश्चन नए नए क्वेश्चन सीडीएस निकालती है हर साल देखिए स्टूडेंट्स कितना लिखा है थ्री

कर सकता हूँ का स्केयर प्लस ऑफ सेवन अपॉन थ्री का स्केयर इनटू ऑफ फोर का स्केयर अब थोड़ा सा मैं आपको इसमें कहूंगा तो थोड़ा सा लॉजिक देखो देखो दो का स्केयर होता है चार होता है उसमें अगर एक का स्केयर माइनस करोगे तो कर न्यूमिनेटर आ रहा है यस चलो तो मैंने मान लिया भी पहला कॉन्सिडेंस हो सकता है नेक्स्ट देखो तीन का स्केर नौ दो का स्केर चारो चार चाराच होता, होता है बिल्कुल होता का स्केर होता, कितना होता है। का सोलह, तीन माइनस नौ थोड़ा सा ध्यान से प्लीज 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 ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को ये बहुत लॉजिकल और स्पेशल टाइप का क्वेश्चन है ठीक है स्पेशल टाइप और वी वी आई भी एक है है क्वेश्चन ठीक प्लस ऑफ तीन का स्केर माइनस ऑफ दो का स्केर अपॉन इसको मैं कैसे लिखूंगा दो का स्केर इंटू ऑफ तीन का स्केर प्लस ऑफ फोर का स्केर माइनस ऑफ थ्री का स्केर अपॉन थ्री का स्केर इंटू फोर का स्केर ये चीजें लिखूंगा और नेक्स्ट आप मेरे पास तक चलता आ रहा है जहां तक भी जा सकता है ठीक है अच्छा इसको मैं कैसे लिखूंगा इसको अलग कर दो टू का अपॉन वन का स्केयर इंटू टू का स्केयर, माइनस ऑफ वन का स्केयर इंटू टू स्केर आगे थोड़ी सी क्लैरिटी दिमाग में बिल्कुल आई होगी कंफर्म आई होगी ऐसा हो ही नहीं सकता कि क्लैरिटी ना आई हो ठीक है प्लस ऑफ नेक्स्ट मेरे पास क्या है तीन का अपॉन टू का स्केर इंटू तीन का स्केर माइनस ऑफ

अल्टीमेटली वी आर गेटिंग विथ वन अपॉइंट वन का स्केयर माइनस वन अपॉइंट टू का स्केयर प्लस टू का स्केयर माइनस वन अपॉइंट थ्री का स्केयर प्लस वन अपॉइंट थ्री का स्केयर और आगे फोर ऐसे चलता आ रहा है तो ये देखो सारे कैंसल आउट एंड में आंसर क्या बचा वन ऑप्शन नंबर ए खुद थोड़ा सा प्रडिक्टन लगाते अगर आप थोड़ा सा समझदार तो नहीं सकता प्राइम नंबर है नो कैसे बनेगा जब तीन के साथ चार खत्म हो जाएगा हो ही नहीं सकता खत्म ठीक है तो तो दो ऑप्शन तो मैं कर सकता था, था मिनट हाँ चार और एक में थोड़ी सी लड़ाई थी वो मैंने खत्म कर दी क्लियर नोट कीजिए फटाफट बहुत अच्छा क्वेश्चन था चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे पास चलिए अरे बहुत अच्छा क्वेश्चन है सुपर क्वेश्चन है कुछ नहीं करना पलट दो इसको कुछ नहीं करना पलट दो इसको पलटो तो क्या करोगे देखो a+ plus, जब इसे उल्टा कर दोगे लेफ्ट हैंड साइड में क्या बचेगा a+ दिस वन a+ plus, इतना बचेगा और यहाँ क्या बचेगा 972 डिवाइडेड बाय 421 आपको थोड़ा सा प्रिडिक्ट करना है इसको मतलब a+ plus, ऐसे लिखो मैं a 1 अपॉन k इस पूरी टर्म को k मान लिया मैंने is equal to this isn't it तो इसको अगर मैं लिखूंगा देखो कितना आएगा ये टू आएगा प्लस आगे सो टू टाइम्स क्या कितना आया एट फोर्टी टू वन थर्टी बाय फोर ट्वेंटी वन कंपेयर करोगे एक ही वैल्यू कितना मैं यहाँ लिखता रहता हूँ एक ही वैल्यू कितना कि कि मेरे पास दो ठीक है फिर मेरे पास क्या बचा ये सारी वैल्यू खत्म यानी b प्लस अब इसको मैं p कुछ भी बोल लो बी प्लस समथिंग इज इक्वल टू कितना आ गया उल्टा कर दो इसको फोर ट्वेंटी वन बाय वन थर्टी कितना आ गया तीन सौ नब्बे 390 प्लस कितना प्लस। 31 बटा एक 130। यानि कितना बटा कंपेयर करोगे बी बी आ आ गया गया मेरे पास अगली बार कंपेयर करोगे तो सी इज इगल टू सी प्लस कुछ भी लगा लो क्वेश्चन मार्क इज इगल टू वन थर्टी बाय थर्टी वन कितना आ गया स्टूडेंट से चार पे जाएगा एक सौ चौबीस यानी चार प्लस छह बटा इकतीस यानी सी कितना आ गया चार ठीक है फिर क्या बचा फिर उल्टा कर दो इसको D कितना है D प्लस क्वेश्चन मारी इधर लो कितना 130 130 बाय 31 ठीक है कितना सॉरी 31 बाय 6 यानी 5 प्लस 1 बाय 6 डी कितना आ गया आपके पास 5 ठीक है डी कितना आ गया 5 आ गया अब क्या बचा मेरे पास E 6 क्या बताना है मल्टीप्लाई कर दो 2 ती छ चक्का 24 पंजा 120 गुना छह आंसर इस 720 ऑप्शन नंबर है क्लियर सिर्फ पलटते जाना था आपका एक के बाद एक आंसर सातवीं सरायंडर रैंडमली निकलने निकलते जाना था नोट कीजिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें अभी बहुत अच्छे क्वेश्चन है मेरे पास ये मटेरियल में मेंसुरेशन के चलिए क्रैक सीडीएस एग्जाम विद द

कितने फेस होते हैं ठीक है मतलब साइड तो डेफिनेटली उसकी कितनी है फोर्टीन सेंटीमीटर है उसके पास एक रेडियस है सेवन सेंटीमीटर की मतलब तकरीबन तकरीबन ऐसा कुछ है सेंटीमीटर हो गया येलो, ट इज द टोटल एरिया अनपेड सर्फेस मतलब अनपेड सर्फेस कौन से वाला? ये तो येलो है अनपेड या रेड वाला ये 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 वाला, 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 वाला ए, जी ये रेड वाला सरफ़ेस बताना मैं कितना है ठीक है आप ध्यान से देखो अगर मैं एक फेस की बात करता हूँ एक फेस का एरिया कितना होगा इस पूरे का एरिया कितना होगा फोर्टीन इंटू फोर्टीन इंटू टोटल एरिया हो गया ठीक है टोटल एरिया कितना कितना हो गया मेरे पास देखो फोर्टीन सिक्स देखो दो सौ माइनसो माइनस चौबीस आ गया फटाफट एक सेकंड में जब तक इतनी जल्दी आंसर ना निकले तो समझ जाइए दिक्कत है कहीं पे अब सर्कल की बात कर लो सर्कल के एरिया कितना होता है पाई आर स्केर कितने सर्कल है इंटू छ छ के तो नब्बे कर दो आंसर आ जाएगा आपका आंसर आ जाएगा आपका कितना आ रहा आंसर देखो अगर मैं एक हजार के बाद जाना चाहूँ पहले मुझे कितना जोड़ना पड़ेगा इसमें सेवनटी सिक्स और जोड़ दो वन फिफ्टी टू आ गया सो और जोड़ दो टू फिफ्टी टू आ गया ऑप्शन नंबर सी बट अब मैं एक बोल तो रहा हूँ भाई मेरे पास आओ मैं बताऊंगा एक्चुअली में आंसर निकालने कैसे बोले जल्दी से ठीक है बट थोड़ा सा आपको धैर्य पहले सीखनी पड़ेगी चीजें एकदम से मैं भी कोई जादूगर नहीं हूँ ठीक है कि ऐसे चुटकी बजाई और हो गया मुझे भी थोड़ा समय लगेगा आप लोगों के साथ फैमिली और समझ समझने में, में प्रॉब्लम का है ठीक है चलिए नेक्स्ट करें सुपर क्वेश्चन अगर फोर मैं ये बहुत सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी तक हमने चार जो सेट किया सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है सर्कुलर मेटल प्लेट ऑफ रेडियस सेवन सेंटीमीटर थिकनेस जीरो पॉइंट

ध्यान रखना आपने किया क्या है ठीक है <coughs> पेरिकल बैंड का मतलब क्या है बॉल बनाई है आपने एक पेरिकल बैंड का मतलब है? है बनाई आपने इसको पेरिकल बैंड मतलब बॉल, बॉल है बॉल का एरिया तो और सॉरी वॉल्यूम मतलब आप ये कहोगे एक मेटल पीस है ऐसा कुछ करके और ये सिलेंडिकल इन नेचर है मतलब छोटी जैसी पहले वो डिस्क आती थी ना सीडीज आती थी वैसा कुछ है ये रेडियस सात सेंटीमीटर थिकनेस बिल्कुल कम है सोलह मिलीमीटर ठीक है अब आपको बताना है कि आर क्या होगा सेंटीमीटर में चेंज कर लेंगे इसको पहले तो चलो वो तो बाद बात सबसे पहली बात जो मेरे को मेटल दिया है मतलब उसमें से कितने डिग्री का दिया भाई 150 वो तो काट लिया कितने डिग्री बचा अगर मैं 360 की बात करूं उसके लिए वॉल्यूम क्या होगी मेरी फाइव के रच दो दो सौ के लिए मेरी वॉल्यूम क्या होगी 210 सौ दस बटा तीन सौ साठ इंटू पाई आर स्के रच ये रहेगी और एक किसके क्यू आएगी फोर बाई थ्री पाई आर दैट्स इट एक मिनट इसको आर ले लो इसको दूसरे वाले को आर लेते हैं ठीक है ये वाला हो गया आर रेडियस डिस्क वाला और ये ये क्वेश्चन मुझे करके देखो सारा कुछ मैंने आपको बता दिया सिर्फ इसमें वैल्यूज पुट करना है और आंसर निकालना है ये डिग्री है दो सौ दस डिग्री है कुछ गलत समझ लो इसको तो यहाँ से ऐसे करके काटा गया एक सौ पचास डिग्री एक सौ पचास डिग्री काट दिया तो कितना बचा दो सौ दस डिग्री इसी को मूल्ड आउट करके आपने क्या बनाया एक्सपेरिकल बैंड करी क्वेश्चन करिए प्लीज बताओ मुझे सर क्या करो 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 ट्राई कीजिए चलिए देखो जरा कुछ नहीं करना पहले देखो काट लो जरा तीन सात और तीन बारह पाई से पाई कैंसिल आउट रेडिस कितना दिया मुझे सेवन सेंटीमीटर इंटू सेवन इंटू सेवन हाइट कितनी आ गई सोलह बटे हज़ार कर दो क्योंकि पॉइंट जीरो वन mm सिक्स एम एम है ठीक है फोर बाय थ्री क्यूब अब देखो जरा कुछ कट है देखो चार तो क्या सोलह चार या बारह तीन से तीन घंटा सात का क्यूब अपॉन दस का क्यूब इज कितना आ गया आर का क्यूब आर कितना आ गया जीरो पॉइंट सेवन सेंटीमीटर क्लियर ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर क्लियर आ गई बात इजी था बट थोड़ा सा लॉजिकल था क्वेश्चन नोट कीजिए शायद वो ये क्वेश्चन नहीं है जो मैं सोच रहा हूँ मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन होना चाहिए वो हाँ ये क्वेश्चन है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मुझे शायद गलत मिलेगा उसको करो द कोड ए बी ऑफ सर कल भी सेंटर ओ इज टू रूट थ्री ए बी ए कोड दिएवा दिए टू रूट थ्री है टाइम्स द हाइट ऑफ द माइनर सेगमेंट मेजर सेगमेंट माइनर सेगमेंट की बात कर रहे हो डायग्राम बनाते हैं पहले इसके बिना डायग्राम के मजा नहीं आएगा देखो मेजर सेगमेंट ऊपर वाला माइनर सेगमेंट नीचे वाला मतलब वो क्या कह रहा है अगर सेंटर ओ है और ये मेरे पास ए भी दिया हुआ है ठीक है ये भी दिया हुआ है और अगर मैं यहाँ पे डालता हूँ ये कितना टोटल टू तो रूट थ्री तो ये क्या वो रूट थ्री और ये क्या वो रूट थ्री एक मिनट रूट टू थ्री टाइम्स है मेरे पास ओके 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 रूट थ्री टाइम्स है ऐसा नहीं है मतलब ए बी अगर इसको मैं नाम देता तो, हूं के बोल देता हूँ उसको एम बोल देता हूँ मैं ए बी अब बोन के एम कितना हो गया मेरे पास टू रूट थ्री है पौन? ऐसा कुछ है एक कोड ए बी ऊपर सर्कल टू रूट थ्री टाइम्स हाइट माइनर एक्सिस माइनर सेगमेंट इसका मतलब अगर ये एच है तो ये कितना ऐसे लिख सकता हूँ ये एच हो गया ये रूट थ्री एच हो गया ठीक है आप क्या बोल ए हो ये द एरिया सेक्टर ओ ए बी ओ ए बी ये वाला एरिया ओके ठीक है मतलब क्या हुआ है मेरे पास किसका एरिया ओ ए बी का एरिया ठीक है भाई ऊपर वाले ट्रायंगल का ठीक है ये r हो गया रेडियस ए बी r हो गया रेडियस ठीक है व्हाट इज द एप्रोक्सीमेट एरिया क्यों क्या है क्योंकि द क्यों एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट ऑफ सर्कल मतलब क्यों क्या है मेरे पास ये वाला एरिया ओके ठीक है p अपॉन q निकालना है मुझे ये p है सॉरी ये वाला मेरे पास p है p q निकालना है मुझे फाइंड आउट कीजिए देखो बड़े वाले के एरिया कैसे निकलेगा अगर मैं इसका एरिया निकाल लू इस पूरे सेगमेंट का और उसमें से ऊपर वाले ट्राइंगल का माइनस कर दूं तो ये, ये आ जाएगा मेरे पास ए बी एम मेरे पास ए बी एम ये समझना है बस ऐसे क्वेश्चन फंसते हैं पेपर में बहुत बढ़िया जब जबरदस्त मजा आता है ऐसे क्वेश्चन को करने में ठीक है तो ट्राई कर सकते हैं प्लीज ट्राई कीजिए ट्राई कर लो चलो ट्राई कीजिए अच्छा एक बात बताओ मुझे आप अगर मैं ओ एम को देखूं क्या ओ एम मेरे पास रेडियस आ रहा है तो ये कितना हुआ मेरे पास आर माइनस एच हुआ अगर मैं ट्रायंगल ओ के ए में लूँ इन ट्रायंगल ओ के ए अगर मैं ट्रायंगल ओ के ए लेता हूं ठीक है मैं यहां पे क्या लिख सकता हूं ओके का होल स्केल प्लस ऑफ का होल स्केर इज हो ओ ए का होल स्केर लिख सकता हूं मैं ठीक है ये क्या हुआ आर माइनस एच का होल स्केयर प्लस ए के रूट थ्री एच इसका होल्स्केर रिजल्ट मेरे पास आर का होल स्केयर तो ये कितना हो आर स्केयर प्लस एच स्केयर माइनस टू एच आर प्लस थ्री एच स्केयर रिजकल्ट आर का स्केयर लिख सकते हैं अच्छा आर स्केयर से आर स्केयर आउट हो गया यहाँ पे ये कितना हुआ फोर एच HR, हो गया। देखो एच ये कैंसिल आउट हो गया फोर एच इजगल टू टू आर और टू आर इजगल टू फोर एच लिख सकते हैं आर बाई एच कितना आ गया टू अपॉन वन एच अगर वन है तो आर कितना टू आ गया ये नहीं। टू आर इजगल टू एच टू आर इजल टू फोर एच आ गया टू आर इजल टू फोर एच आ गया मेरे पास ठीक है तो ये कितना होगा मेरे पास टू ये वन यानी मेरे पास इसको अगर मैं लेना चाहूं तो एच आ गया इसका मतलब कि अगर टोटल ये है ये एच है ये क्या है मेरे पास आर हो गया टोटल अगर आर एस गडो टू एच है अगर ये एच है तो ये भी एच होगा जब भी तो टू एच होगा ये मेरे पास टू एच है बात हो और आर एस टू क्या टू एच आर क्या क्या एच प्लस एच यहाँ से यहाँ एच है तो ये भी मेरे पास एच हुआ समझ आएगा कंस्ट्रक्शन चलो अब इतना बता दिया आंसर बता दो मुझे ट्राई करिए इसके बाद तो भाई अब क्वेश्चन सबका हो जाना चाहिए चलो अब देखो जरा ये वाला होपफुली आपने नोट कर लिया होगा सारा कुछ डायग्राम है मैं इसको मिटा देता हूं ठीक है चलो देखो जरा देखिए अब मुझे एओबी का एरिया निकालना है एओबी का एरिया कैसे निकलेगा एओबी का एरिया कैसे निकलेगा ए का एरिया। देखो अगर मैं इसको थीटा लेता हूं थीटा कितना हो गया एंगल तो लेना पड़ेगा ना कुछ तो मुझे देखना पड़ेगा ना कुछ तो मुझे चाहिए ना उसके बिना कैसे काम चलेगा मेरा यानी ओ ए बी मतलब ये पूरा ही लग रहा है मुझे और माइनर सेगमेंट माइनर सेगमेंट ओ ए बी का मतलब ट्रेंगल नहीं है ये ट्रेंगल नहीं है पूरा एरिया है मतलब ये पूरा एरिया ये, ये, ये और ये। बिल्कुल जी बिल्कुल ये बोला पूरा एरिया निकालना है ओ ए बी यही हुआ क्योंकि बीच में ये नहीं है उन्होंने कोड का नहीं बोला ये और इसका अब ठीक है ट्रेंगल नहीं है ये ठीक है थीटा कितना आ गया मेरे पास एच अपॉन रूट थ्री एच थीटा कितना थर्टी डिग्री आ गया ये थर्टी ये थर्टी तो ये कितना डिग्री आ गया आठ और एक सौ बीस आ गया डन अच्छा अब मुझे क्या बोल रहे हैं इतना हो गया तो इसका एरिया क्या होगा मेरे पास वन ट्वेंटी बाई थ्री सिक्सटी इंटू ऑफ टू एच का कुछ ऐसा होगा देखो जरा देखिए क्या है जो लिखा बिल्कुल सही लिखा है मैंने यही होगा नीचे वाला एरिया क्या होगा मेरे पास टोटल में से टोटल में से यानी टोटल ये वाला है 120 ट्वेंटी बाय थ्री सिक्स इंटू फाइव इंटू टू एच इसमें से मुझे ट्रैंगल का माइनस करना है ट्रैंगल का एरिया कितना है वन बाय टू इंटू बेस कितना है टू रूट थ्री एच इंटू ऑफ एच हाइट एच है ठीक है देखो जरा क्या क्या बचा मेरे पास देखो एच के यहां से कैंसिल आउट हो गया इसको मैं सॉल्व नहीं करू तो बढ़िया एक सौ बीस कितना रह गया एक सौ बीस एक बटा तीन वन बाय थ्री पाइन टू ऑफ फोर एच स्केर डिवाइडेड बाय वन बाय थ्री पाइन टू ऑफ फोर एच स्केयर माइनस ऑफ टू से टू कैंसल रूट थ्री एच स्केयर एच के रच के जब पाई की वैल्यू आप पुट आउट कर देंगे ना जब आप पाई की वैल्यू इसमें पुट आउट कर देंगे यानी पाई की वैल्यू वन वाल पॉइंट सेवन दिए थ्री पॉइंट वन फोर आप ले सकते हो तो आपके पास जो मिला आंसर आएगा ना वो आएगा ऑप्शन नंबर बी सॉल्व कीजिएगा इसको नौ सॉल्व हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा आई विल सॉल्व इट आउट क्लियर चलिए तो प्लीज़ आज का लेक्चर बहुत 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 ज़बरदस्त था मुझे खुद को मजा आया ऐसे क्वेश्चन करके तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए ठीक है सी डी एस के सारे फीचर्स बता चुका है कोई डाउट हो तो सेवन एट थ्री ट्रिपल सेवन थ्री सिक्स फाइव वन क्लियर तो प्लीज़ 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 प्लीज, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए और सारे के सारे जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं जल्दी जल्दी जुड़िए और बढ़िया से मेंटरशिप लेके सिलेक्शन लीजिए थैंक यू स्टूडेंट्स